But I need to tell you something. हेलो गाइस, वेलकम टू तेजी मेडी न्यूज़। तो गाइस आज हम बात करेंगे एवेंजर 4 के टाइटल के बारे में। तो सबसे पहले केविन फाइगी ने 8 महीने पहले यह कंफर्म करा था कि अगर आपको एवेंजर 4 का टाइटल पता चलता है तो आप पूरी स्टोरी को पता कर सकते हो। उसके बाद पता चला कि एंड विन द वास्प में आपको एंडिंग में टाइटल पता चलेगा जो कि एवेंजर 4 से डायरेक्टली कनेक्ट होगी। उसके बाद केविन फाइगी ने अभी हाल ही के इंटरव्यू में ये बोला कि आपको कैप्टन मार्वल का टीजर देखने के बाद टाइटल पता चलेगा और अगर नहीं पता चलता है तो आपको एंड ऑफ द ईयर में पता चलेगा, जैसा कि आप ये आर्टिकल देख रहे हो रिसेंट में, तो इसमें साफ साफ ये लिखा है। उसके बाद मुझे सबसे बड़ा कंफ्यूजन हो गया, अगर हमें एंड विन द वास में टाइटल नहीं पता चलेगा तो हमें एंड ऑफ द ईयर में ही पता चलेगा, मुझे जो लगता है। तो आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आज का सबसे बड़ा सवाल, अभी हाल ही में एज ऑफ द अल्ट्रॉन का एक कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज करा गया है और उसे ये बताया जा रहा है कि ये मूवी का एक सीन था जो कि मार्वल स्टूडियो ने डिलीट कर दिया। वो अल्ट्रॉन को इतना खतरनाक नहीं दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये सीन डिलीट कर दिया और इसलिए इस पे कोई वर्क नहीं हुआ और ये कौन सा पार्ट परसों ही रिलीज हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि एवेंजर 4 में अल्ट्रॉन रिटर्न होगा या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे या तो उस पे हल्के हाथ मारो या पैर मारो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूं।